नाम डॉक्टर रसिया है और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की है और पोस्ट डॉक्टरेट किया है आईसीएसएसआर दिल्ली से। मेरा जो टॉपिक था मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर था मेरी पीएचडी, और जो मेरा पोस्ट डॉक्टरेट था वो था मेरा मदरसा एजुकेशन पर। लेकिन मैं आईओएस से पिछले 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि आईओएस में जो न्यू यूथ होती है, जो नई जनरेशन होती है, उनको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़े, उनको कुछ करने का मौका मिले। जो चीज़ हमें किसी अदर इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती है अपॉर्चुनिटी, वो हमें आईओएस में मिलती है। आईओएस का सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पिंग है और बहुत अच्छे से वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं हर तरह से। एक एक चीज़ वो हमें बताते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, और उनके जो भी प्रोजेक्ट उनके अंडर में होते हैं जो हम लोग करते हैं, हम लोगों को दिए जाते हैं, अच्छे से वो स्पेशली वो एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन या फिर एनी अदर, मतलब जो यूथ से रिलेटेड होती है, जनरेशन से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड वो सारे प्रोजेक्ट करवाते हैं। इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च वर्क इनके बहुत अच्छे होते हैं, ये मतलब बीच बीच में ये बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कराते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आईओएस क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए बनाई गई हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स ये करवाते हैं ताकि जो हमारी यूथ है वो उससे अवेयर हो।